वो रोज मुझे सहरी के वक्त जगाती, कॉल्स करती और मैसेजेस करती, उठ जाए सहरी कर ले। मैं झट से उसके पहले मैसेज पे जाग जाता, या फिर यूं कह लिया जाए कि मुझे इंतजार ही उसके मैसेज का होता था। वो अपने घर सहरी करती और मैं अपने घर सहरी करके मोबाइल देखता तो मैसेज आ चुका होता कि नमाज पढ़ के चाहे सो जाना, लेकिन पहले नमाज पढ़ लेना। फिर हर नमाज के वक्त एक मैसेज मिलता, नमाज याद से पढ़ लीजिएगा। हालांकि उसे पता था अजान तो मेरे पास भी आती होगी। इफ्तार में एक मैसेज किए, इफ्तारी के बाद नमाज नहीं भूलना और रात इशा जरूर अदा करना। ये बातें मुझे बहुत सुकून देती, इतनी खुशी कि मैं हर पल मुस्कुराता फिरता। कहते हैं अगर औरत सच्ची मोहब्बत कर ले तो एक माँ की तरह परवाह करने लगती है। अब की बार तो माह रमजान की मुबारक भी नहीं दी उसने, और मैं अब की बार भी नहीं भूला उसे। मजबूरियों की जद में आके भी उससे मोहब्बत करना कभी कम नहीं करता। अब की बार मुझे अलार्म लगाना पड़ता है पहली सहरी के लिए, उसके मैसेज उसकी कॉल के बजाय अलार्म पे जा गई। इस बात ने बहुत तकलीफ थी मुझे यार।